हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में हम देखेंगे मेरे वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन। तो होम एंड मच मोर के होम टूर वीडियो में आप लोगों से काफी रिक्वेस्ट आई थी कि वार्डरोब का भी ऑर्गेनाइजेशन दिखाओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरे वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और आने वाले किसी वीडियो में हम देखेंगे मेरे हस्बैंड के वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा वार्डरोब जिसमें जो लेफ्ट सेक्शन है वो मेरे हस्बैंड का है और राइट वाला मेरा है। और आप नोटिस कर सकते हैं कि जो वार्डरोब है उसके बॉटम में यानी नीचे ड्रॉर्स हैं और ऊपर कुछ अलग से सेक्शंस नहीं है स्टोरेज के लिए। और ये है मेरा सेक्शन। मैं मैक्सिमम स्टोरेज का यूज़ कर सकूँ इसलिए हैंगर्स यूज़ नहीं करती हूँ, और मुझे स्टैक्ड कपड़ों में से बॉटम वाला भी कपड़ा बाहर निकाल लेना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगता। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे ये करती हूँ, ताकि आप जो आपका पूरे कपड़ों का स्टैक है उसे डिस्टर्ब किए बिना आसानी से कहीं पर भी जो बीच में कपड़ा है वो बाहर निकाल सके। तो सबसे बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्शन जो है मैंने डेडिकेट किया है मेरी हैंड बैग्स के लिए। तो जो मेरी सारी हैंड बैग्स हैं, मैंने कुछ बैग्स को यहाँ रखा है, कुछ को दूसरे सेक्शन में रखा है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर ही है। तो ऑफिस जब मैं जाती थी तो इनका ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन फिलहाल में इतना यूज़ नहीं हो रहा है। तो मुझे इस तरह से बैग्स रखना पसंद है कि जब चाहिए हो तो आराम से एक बैग निकाल सके। ऐसा ना हो कि एक बैग के निकालने के चक्कर में आपको पूरे बैग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, तो उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, मैंने वर्टिकल में अगल बगल सब बैग्स को रखा है, और ये जो थोड़ी स्टिफ वाली बैग है इसे मैंने ऐसे ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरह से जो बैग्स हैं इन्हें निकालना बहुत इजी होता है, और वापस से इन्हें अपनी जगह पर रखना भी इजी होता है। ये राइट वाला सेक्शन है जहाँ पर मैंने कुछ स्कार्व्स, घर के पहनने वाले कपड़े, वैसे घर के पहनने वाले कपड़ों का कुछ सेट बाथरूम में ही होता है, उसके अलावा फिर ये है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्कार्फ है, स्वेटर है। वैसे यहाँ पर पुणे में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है स्वेटर्स वगैरह की, तो थोड़े बहुत ही हैं। तो ये देखिए, अगर आपको कोई कपड़ा इसमें से निकालना है स्टैक में से, तो ऊपर वाले हिस्से को ऐसे पुश करें और जो आपको कपड़ा चाहिए वो निकाल लें। इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपका स्टैक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा और हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। और ये बास्केट है जहाँ पे मैंने अपनी बाकी पर्सेस रखी है, जो छोटी है साइज़ में। कुछ हैंड पर्सेस हैं, कुछ पेपर कपड़े की बैग्स हैं, तो ये सब मैंने इस बास्केट में रखा है ताकि एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, फैले ना। प्लस जो बास्केट है इसमें वेंटिलेशन भी है, तो फिर बैग्स ख़राब भी नहीं होती। अब ये ऊपर वाला सेक्शन जहाँ पे मैंने अपनी जीन्स और बाकी पैंट्स भी हैं, टॉप्स एंड श्रग्स, बेसिकली सारे जो वेस्टर्न पैंट शर्ट टाइप के कपड़े हैं वो सारे इस सेक्शन में हैं। और ये एक टाइप का डीह्यूमिडिफायर है जिसे 1 मंथ या 2 मंथ में 2 घंटे धूप में रखना पड़ता है। तो बहुत टाइम के बाद जो कपड़ों में फंगल स्मेल हो जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से, या फिर कुछ अजीब सी स्मेल हो जाती है, ये सारी स्मेल को अब्सॉर्ब कर लेता है। जो ये फंगल टाइप की स्मेल होती है कपड़ों में, इससे मुझे एलर्जी है, तो मेरे लिए तो एकदम बढ़िया चीज़ है ये। ये देखिए कंप्लीट स्टैक, मैं इस स्टैक में से इसी तरह कपड़े निकालती हूँ जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो लेफ्ट में मेरे टॉप्स है, पीछे बॉटम वेयर है, बीच में श्रग्स है, सामने भी श्रग्स हैं, और पीछे और टॉप्स है। ये है राइट वाला सेक्शन ड्रेसेस का। तो यहाँ पर भी मैंने एक कैंडी पर्स बोलते हैं ऐसे, आई थिंक दैट्स द राइट टर्म, तो ये मैंने रखी है ताकि इसका शेप बिगड़े ना, क्योंकि यहाँ पे खाली स्पेस थी। और इस सेक्शन में मेरी सारी ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस मतलब वेस्टर्न वाली ड्रेसेस हैं। बस ये थोड़े बहुत कुछ एक्स्ट्रा टॉप्स मैंने सामने रखे, अदरवाइज उसमें सारी ड्रेसेस रखी हुई हैं। इस सेक्शन में रखे हैं मैंने ऑफिस वेयर। वैसे मैंने ऑफिस वेयर नाम इसे इसलिए दिया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ ऑफिस में कुर्ती, मतलब बिना चुन्नी वाली कुर्ती या फिर ड्रेसेस पहनने के लिए। वैसे कुछ मेरे पास चुन्नी वाली ड्रेसेस भी हैं। और ये है प्यूरीफायर, यानी इससे भी काफ़ी अच्छी खुशबू हो जाती है कपड़ों में, वो भी मैंने यहाँ रखा है। ये देखिए पीछे और कुर्तियाँ और ड्रेसेस हैं। ये फ्रंट में बॉटम वेयर है जो मैंने अभी जस्ट स्लाइड किया लेफ्ट में। पीछे और कुर्तियाँ हैं, और ये थोड़ी बहुत चुन्नी है जो इनमें से कुछ ड्रेसेस के साथ हैं, फिसलती हैं, तो इन्हें स्टैक साइड में करके रखना बेटर ऑप्शन पड़ता है। तो ये ऑफिस वेयर जो फिलहाल ऑफिस तो हम जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है मेरा हेयर एंड मेकअप वाला सेक्शन। तो कुछ चीज़ें मेरे ड्रेसिंग टेबल पर होती हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाली है वो सारी मैंने यहाँ रखी है। जैसे मैंने दिखाया था मेरा ड्रेसिंग टेबल कॉम्पैक्ट है, तो इस मरून पर्स में मेरी हेयर एक्सेसरीज थी, और ये जो पिंक बैग है मेरी मम्मी ने स्टिच की है,
तो बेसिकली यहाँ पर सब हेयर एंड मेकअप का सामान है, ऑर्गेनाइज रखा है, मुझे पता है किसमें कौन सी चीज़ है, तो यूज़ करने के बाद वो वहीं पर मैं वापस से रखती हूँ। और ये ड्रॉर्स, तो यहाँ पर मैंने इनर वेयर रखे हैं, ये ऐसे छोटे ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो आप भी इन्हें परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साइड में ये मिस्क यानी मिसलेनियस वाला ड्रॉर, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन, शेड्स और ये एक इंसुलेटेड बैग है इसके साइड में रेड वाली, ये वाली, और कुछ एक्स्ट्रा पाउचेस हैं। और मैंने आपको दिखाया था मेरी मेकअप ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास हेयर ड्रायर एंड स्ट्रेटनर है, उनकी जो बैग्स है वो यहाँ पर रखी हैं। और ये ऊपर वाला सेक्शन है जिसमें लेफ्ट मिसलेनियस, राइट में लहंगा है। मिसलेनियस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और लहंगा जो है इसमें, मतलब इस बॉक्स में मेरा लहंगा है, मतलब दो तीन लहंगे हैं। और ये साइड वाला मिसलेनियस बॉक्स जिसमें कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा पाउचेस, बलून फुलाने वाला पंप और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। और इसके राइट में है ये वाला सेक्शन जहाँ पे मैंने सलवार कमीज और ड्रेस मटेरियल्स रखी हैं। तो ये राइट में जो तीन सेक्शंस हैं, यहाँ पे एक्चुअली हैंगर्स भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन हैंगर्स को यूज़ ना करके मैं इन बास्केट्स को यूज़ करती हूँ। इन बास्केट्स को यूज़ करने से ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेटर हो जाता है। और ये एक सन अम्ब्रेला जो मैंने सिंगापुर से ली थी, मुझे बहुत पसंद आई, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया पर ये बहुत सुंदर है, वुडन है, ये वुडन और कपड़ा है इसमें। तो ये ड्रेस मटेरियल्स हैं कुछ मेरे पास, तो आप भी अपने ड्रेस मटेरियल्स एक साथ रख सकते हैं जो आप सोच रहे हैं कि आप स्टिच करवाएंगे, तो इन्हें अपने ड्रेसेस के साथ मिक्स ना करें ताकि जब आपको अपने ड्रेस मटेरियल्स स्टिच कराने के लिए डालने हो तो एग्जैक्ट सही जगह पर आपको मिल जाएं। और ये कुछ एक्स्ट्रा सलवार कमीज़ है जो मैं ऑफिस नहीं पहनती हूँ क्योंकि थोड़े ज़्यादा लाउड हो जाते हैं ऑफिस के हिसाब से, तो ये मैंने यहाँ रखे हैं, काफ़ी पुराने हैं लेकिन कम यूज्ड हैं, तो मैंने इन्हें भी ऐसे संभाल के रखा हुआ है। और ये ऊपर जो आपको बास्केट्स जो पाउचेस दिख रहे हैं, साड़ी के पाउचेस हैं, ये मेरी मम्मी ने स्टिच किए हैं, इन पे मैंने लेबल्स लगा रखे हैं जिसमें लिखा है कि कौन से बैग में कौन सी साड़ी है, ताकि सारी साड़ियाँ निकालने के बाद, सब पाउचेस खोलने के बाद आपको साड़ी मिल रही है ऐसे सिचुएशन ना आए। इस बॉटम वाले ड्रॉअर में मेरे हस्बैंड और मेरी ऑफिस की बैकपैक्स हैं और एक्स्ट्रा खाली बैकपैक्स हैं। ये इसलिए क्योंकि ये सेक्शन जो है काफ़ी खुला खुला है, ऑफिस से आए यहाँ पर बैग रख दी, ऑफिस जाना है यहाँ से तुरंत उठा ली, तो इजी एक्सेस के हिसाब से यहाँ पर ये रखी हुई है। फिलहाल ये अनयूज्ड है क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। और ये जो मेरा वार्डरोब है, यहाँ पर रिमूवेबल हैंगर रॉड है, तो जो आपने सेक्शंस देखे जहाँ मैं बास्केट्स को यूज़ कर रही थी, वहाँ पर रॉड भी लगाया जा सकता है पार्टीशंस को रिमूव करके, बट मैं प्रेफर करती हूँ हैंगर्स ना यूज़ करना, बट आप जैसा पसंद करें आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हैंगर की रॉड है जिसे इजीली जस्ट उठाकर रिमूव कर सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। और हैंगर्स पे अपने कपड़े टांग लेने के बाद आप नीचे बास्केट्स का यूज़ कर सकते हैं, बड़ी छोटी जैसे आपके सेक्शन में स्पेस हो, तो सबसे बेस्ट तो मुझे ये बास्केट्स लगती हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।